हेलो फ्रेंड्स, मैं केएल मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलएन कीबोर्ड प्रैक्टिस पर। आज हम रफी जी और लता जी का गाया हुआ गाना है, 1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी, इतना तो याद है मुझे। तो फ्रेंड्स, ये गाना आज तैयार कर रहे हैं, इसमें रे गा धानी चारों कोमल हैं, इस हिसाब से ये राग भैरवी पर ये सॉन्ग बना है। और जो सुर लग रहे हैं, मंद शतक में कोमल धा कोमल नी, मध्य शतक में सा कोमल रे कोमल गा, फिर मा पा धा कोमल, और हमने वही अपना सी शार्प को ही सा माना है, तो सी शार्प माइनर स्केल पर ये लगा है। और ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये पा से शुरू होगा मध्य शतक के। तो ये इसका मुखड़ा है, प्रैक्टिकली सारे नोट्स इसमें आ जाते हैं। इसमें अब शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप नोटेशंस एक्सप्लेन करते हुए। पा से शुरू हुआ, इतना तो पाधा पामा, इतना तो याद, याद के लिए गारेगा है मुझे रे सा सा, इतना तो याद है मुझे, इतना इतना तो पाधा पामा, इतना तो याद गारेगा याद है मुझे रे सा सा। उसके बाद है हो, तो हो इसका गा रे सा रे गा मा पा इतना लंबा है। हो पहले उतरेगा गा से नीचे, ओ इतना तो याद है मुझे, फिर वही सेम नोट्स पर इतना तो याद है मुझे। तो फिर देखिए, इसके बाद हाय 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 गारे सानी धा, फिर इसके बाद फिर वही इतना तो याद है मुझे। अब धा से इतना तो धा सा सा सा, इतना तो याद है मुझे धा धा सा सा, सारे सारे गा इतना तो याद है मुझे। ये इतना तो याद है मुझे तीन तरह से ये तीन बार बोला गया। उसके बाद के उनसे मुलाकात हुई, के उनसे गा रे रे, के उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात गा रे सा सा सा। तो अब प्रैक्टिकली यहां मुखड़ा तो कंप्लीट है, लेकिन जो लाइनें आगे हैं, इतना तो याद है मुझे, वो तो वही है कि उनसे मुलाकात हुई, फिर बाद में जाने क्या हुआ, ये भी इसी ही नोट्स पर चलेगा। बाद में जाने क्या हुआ, जाने क्या हुआ, फिर वैसे ही चलेगा। हो बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, फिर ना जाने क्या बात हुई, ना जाने क्या बात हुई, तो वो सेम ही है, ना जाने क्या बात हुई। तो प्रैक्टिकली वही उन्हीं नोट्स पर ये वाले लिरिक्स भी चलते हैं। सॉरी, अब इसके बाद जो है मुखरा कंप्लीट है। अब आते हैं अंतरे पर। अंतरा बहुत छोटा सा है,
नोट्स में रेपिटेशन बहुत तीन बार 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 रिपीट होते हैं, तो देखिए उसका अंदाज है अपना, वो भी अच्छा है। तो देखिए, वादे वफा के वादे सॉरी वादे वफा के करके कसमें उठ उठा के किसी पे दिल लूटा के चला आया। ये पूरा खेल ये चार नोट्स पर है, नी सा रे गा, तो इसी में ही सारा रेपिटेशन है। और रेपिटेशन भी कमाल का है, देखिए ये क्या है, वादे वफा के, तो ये क्या, नी सा सा रे गा, अब ये नी सा रे गा रे सा नी सा रे गा रे सा नी सा रे गा रे सा नी सा, एक्चुअली यही है ये टोटल इसका, तो सारा ही रेपिटेशन है, नी सा रे गा रे सा नी सा रे गा रे सा नी सा रे गा रे सा नी सा, यही है। इसको अब लिरिक्स पे उठाते हैं, इसको वादे वफा के नी सा रे गा, फिर उसके बाद करके कसमें उठा के, वादे वफा के करके करके के लिए रेसा कसमें उठा के, उसके बाद किसी पे दिल लूटा के चला आया। तो बस नीसा सासा रेगा रेसा नीसा सासा रेगा रेसा नीसा सासा रेगा रेसा नीसा। अगली जो लाइनें हैं बिल्कुल इसी नोट्स पर बजेंगी, यह है, नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चला आया, वही है। तो नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के किस कसक दिल में बसा के चला आया, वही है। अब ये प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया, अंतरा भी जैसे मैंने बताया था बहुत छोटा सा है, ये चार नोट्स पर ही सारा कुछ है। और अगली जो लाइनें हैं, दिन तो गुजर जाएगा, ये वैसे ही है जैसे मुखड़ा है, इतना इतना तो याद है मुझे, अब ये दिन तो गुजर जाएगा। अच्छा, अब ये दिन तो गुजर जाएगा बिल्कुल जैसे मुखड़ा चला उसी हिसाब से ही चलेगा, देखिए, दिन तो गुजर जाएगा, हो दिन तो गुजर जाएगा, हो हाय जो भी है, हाय दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, भाई इतना तो याद है मुझे। तो फ्रेंड्स, ये गाना हम, क्योंकि बाकी अंतरे भी बिल्कुल इसी पर ही हैं, तो पूरा कंप्लीट है, आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, गाना तो अच्छा है, आपको तैयार भी जल्दी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।